पे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। So today's topic is the demand. So first of all, it is a part of economics. So today's subject is that economics 12th class board exam, very important question we are covering today. That is the demand. Okay, so today's topic we will discuss, that is the demand. Which type of a question will be expected from this chapter and और कैसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में और किस तरह से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट लेसन और वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर बोर्ड एग्जाम। अगर आपको डिमांड के बारे में थोड़ा समझ जाएगा तो लेसन आपके लिए कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं डिमांड की। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज सब्सक्राइब इट, और जिन्होंने किया इनको थैंक यू सो मच। ओके, चलो शुरुआत करते हैं हम इस लेक्चर की। सो डिमांड आपके हिसाब से डिमांड क्या होती है? कोई भी चीज को हमने खरीदे वो डिमांड होगी? नहीं। कोई भी प्रोडक्ट की डिमांड पूरी करने के लिए आपको तीन चीज की बहुत जरूरत होती है। विदाउट दैट थ्री थिंग डिमांड कैन नॉट बी पॉसिबल। एंड वो है क्या चीज? फर्स्ट इज द डिजायर, एबिलिटी टू पे, विलिंगनेस टू पे। अगर इसमें से कोई भी एक चीज मिस हो जाएगी ना, तुम्हारी डिमांड कंप्लीट नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, आपको कार परचेस करना है, ठीक है। सो कार परचेस डिमांड कब होगी? लेना, परचेस करना मतलब डिमांड करना। तो डिमांड कंप्लीट कब होगी? डिजायर, पहली बात तो आपका एक इच्छा होना चाहिए, मुझे कार लेना है। देन एबिलिटी, यू हैव टू कैपिटल। विलिंगनेस, सच में कैपेसिटी, मतलब वो लेके कुछ फायदा है नहीं, मतलब दिल गवाह होना चाहिए। ओके, वेन थ्री थिंग, ये सब तीन चीजें हो पाएगी तभी तुम क्या कर सकते हो, कोई भी प्रोडक्ट की डिमांड करोगे। इसमें से अगर एक भी चीज मिस होगी तो आप वो चीज नहीं ले पाओगे। ओके, जिसको कार लेना है तो ये तीनों चीज कंप्लीट होगी। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं यहाँ से अपने घर से कहीं घूमने के लिए जा रहे हो, ठीक है। वहां पे आपको कोई बहुत अच्छी चीज पसंद आ गई, डिजायर ले लिए। ओके, डिजायर आपकी, वो चीज आपको पसंद आ गई, आपको लेना है। विलिंगनेस, सच में आपको उस चीज की जरूरत है, लेकिन एबिलिटी, आपके पास वो टाइम पे उतने पैसे नहीं कि वो चीज की आप क्या कर सको परचेस। तो डिमांड तुम्हारी इनकम्प्लीट होगी। समझ में आ गया? एक एग्जांपल और लेते हैं। वही सेम, आप कहीं बाहर जा रहे हो, ओके, आपके पास में जेब में पैसे भी, अमाउंट भी है, अमाउंट, आपको वो चीज लेना भी थी, लेकिन आपकी डिजायर नहीं है, समझ में, मतलब इच्छा नहीं है, लेना थी, कैपेसिटी है, वो चीज खरीद भी सकते, लेकिन तुम्हारी इच्छा नहीं ना, वो चीज क्या जरूरत नहीं है शायद, तो उस चीज की डिमांड होगी नो। अगेन लास्ट, फॉर एग्जाम्पल, समझ में डिजायर टू परचेज अ कार, मतलब एक बाइक लेना उसको, ठीक है। एक बंदा है, पर्सन एक्स है, उनको दे टू बाय बाइक, मतलब उनको गाड़ी लेना, ठीक है, डिजायर है। दे हैव कैपिटल, बट उनका मन गवारी करता, मतलब रोड एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं, ये हो रहा है। पेरेंट्स की होती ना जीत की, नहीं अभी मत लो, एक्सीडेंट इतने सारे हो रहे, तो मतलब डिमांड कम्प्लीट हो गई। डिजायर भी थी, एबिलिटी भी थी, लेकिन उनका मन गवाह नहीं करता कि वो चीज को क्या कर सके, परचेज। जब परचेज ही नहीं कर पाएंगे तो डिमांड हो पाएगी नहीं। तो कोई भी प्रोडक्ट की डिमांड करने के लिए तीन चीजों का होना बहुत जरूरी। फर्स्ट वन इज डिजायर, एबिलिटी टू पे, विलिंगनेस टू पे। दिस क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फॉर 2 मार्क्स, डिफाइन द डिमांड। ओके, और इट विल कम फॉर द ट्रू और फॉल्स, मैच द फॉलोइंग और फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, अब एक क्वेश्चन थोड़ा सा और कर लेते हम लोग, इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। बताओ इंडिविजुअल डिमांड क्या होगा? द प्रोडक्ट ऑफ ए डिमांड इज डिमांड, एनी प्रोडक्ट विल डिमांड बाय वन पर्सन, इंडिविजुअल पर्सन इज नोन एज अ इंडिविजुअल डिमांड। फॉर एग्जाम्पल, इफ द प्राइस ऑफ मैंगो इज ₹50, ए पर्सन बाय दैट मैंगो 2 kg, ओके, अब 1 kg। How the price increase, how the price fall, 50 to 40, the demand also increase. Let's see this is with the help of tabulation. Okay, एक हम लोग टेबल बना लेते हैं इंडिविजुअल का। Okay, यहाँ हम लिख देंगे प्राइस ऑफ कमोडिटी, ठीक है, यहाँ हम लिख देंगे क्वांटिटी। Okay, let's check only the 3 to 4 example, not more than that. when the price is 50 of mango per kg, डिमांड हम लोग ने कितने की करी इसकी 1 kg की, ठीक है। देन प्राइस गोज ऑन फॉलिंग, 50 से 40 हुआ तो कितना हम लोग ने की डिमांड 2 kg, अगेन 3 kg, देन अभी 20 हो गया, ये हो जाएगा 4 kg। दैट मींस वी कैन सी दैट हाउएवर द प्राइस स्टार्ट फॉलिंग, द डिमांड क्वांटिटी डिमांड इज इंक्रीज। लेकिन एक इंडिविजुअल पर्सन करेगा एट ए पर्टिकुलर प्राइस पे, उसको हम लोग बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड। अब इसका आपको शेड्यूल भी बनाना बहुत इजी है, ये तो तुम्हारा शेड्यूल। अब हम इसका डायग्राम भी बना लेते हैं, लेट्स सी, देन वी विल रन इट। ओके, इन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस यहां हम मेजर करेंगे क्वांटिटी डिमांड। क्या मेजर करेंगे? क्वांटिटी डिमांड ऑफ मैंगो। यहां हम करेंगे प्राइस ऑफ मैंगो। कहां से स्टार्ट होता है? प्राइस 20 से समझो, ठीक है, 20 30 40 50, देन 1 2 3 4. Let's see, the price is 50, the demand is, okay, price start falling. Let's see, okay, here the demand increasing, price are falling. 30, then 20. So इस तरह से तुम्हारा क्या होगा स्टूडेंट्स, डाउनवर्ड। ये हो गया तुम्हारा इंडिविजुअल डिमांड। क्या हो गया? जब एक इंडिविजुअल डिमांड क्या करेगा पर्सन, कोई भी प्रोडक्ट की प्राइस चेंज होने पे उसकी डिमांड चेंज करेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड। दिस क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फॉर 2 मार्क्स और मैक्सिमम 3 मार्क्स, नॉट मोर देन। ये 3 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको 2 मार्क्स के लिए आएगा। आप इसका एक बार शॉर्ट में 1 या 2 लाइन में मीनिंग लिख दो, देन शेड्यूल, देन डायग्राम। ये हो गया आपका इंडिविजुअल डिमांड। क्या हो गया स्टूडेंट्स? इंडिविजुअल डिमांड। ओके, नाउ वी विल डू द मार्केट डिमांड। इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? सेल पर डालेगा आपका स्टूडेंट्स। अब मार्केट डिमांड में क्या होता है स्टूडेंट्स? प्राइस इज सेम बट द क्वांटिटी ऑफ दैट डिमांड विल बी डिपेंड अपॉन द पर्सन। एक्स फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक एग्जाम्पल अगेन, easily will understand. Okay, price of a mango, okay, and rupees 50, 40, 30, 20 and 10. Let's see quantity demand. X, A person, B person, C person. Okay, well, जो मार्केट में बहुत सारे लोग हो गए तो अलग अलग लोग अलग अलग डिमांड करेंगे। प्राइस के लिए सेम होगा, प्राइस लोगों के लिए चेंज होगा। जब 50 रुपीज था फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन डिमांड करता तो 2 kg, कितने करता था? 2 kg, एंड इट डिमांड इज 4 kg। अब ये कर रहा होगा शायद से 6, तो टोटल डिमांड कितने हो गए स्टूडेंट्स? ये हो गई मार्केट डिमांड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड इज द एडिशन ऑफ डिमांड और क्वांटिटी डिमांड ऑफ ऑल इंडिविजुअल पर्सन। जो इंडिविजुअल पर्सन डिमांड करते हैं एट ए सेम प्राइस इज नोन एज द मार्केट डिमांड, ठीक है। तो ये मार्केट डिमांड कितनी होगी तुम्हारे टाइम, अब हमको इससे मतलब, ठीक है। देन नेक्स्ट, अब प्राइस थोड़ा कम हो, मतलब सब लोग थोड़ा सा अपनी क्वांटिटी को क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। अब इसमें फॉर एग्जाम्पल 4 हो गया रहेगा, अब यहाँ पे 6 कर दिया रहेगा, ठीक है। इसमें डायरेक्ट कितना कर लेते हैं, अब यह हो गया 20। कितना हो गया? 20। तो हमारा कुछ बहुत इजी, ठीक है। देन अगेन प्राइस इज 30, ये अगर 6 हो जाता है फॉर एग्जाम्पल, डिमांड इसकी भी बढ़ेगी, ठीक है, एंड इट विल बिकम 10, ओके। चलो इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं हम लोग, 10 कितना हो जाएगा? 16, ये हो जाएगा 40, ठीक है। अब यहाँ हो जाएगी तुम्हारी 30 डिमांड। तो जो सबकी डिमांड बढ़ रही है लेकिन वो अपने अपने हिसाब से क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं, लेकिन हमको इससे मतलब होगा, ठीक है। मार्केट डिमांड में क्या रहेगा? एडिशन ऑफ ऑल क्वांटिटी डिमांड बाय द इंडिविजुअल पर्सन। जो इंडिविजुअल सबको प्लस करके हमको जो वैल्यू मिलेगी दैट इज द मार्केट डिमांड। लेट्स सी 8 12 देन 20, ओके, इजी एग्जाम्पल है। देन नेक्स्ट सी 10, 20, 30, देन इट इज सेम। इसका भी शेड्यूल जैसा बनेगा स्टूडेंट, सेम बनेगा, तुम्हारा कोई चेंजेस नहीं रहेगा, नॉट ए सिंगल चेंजेस। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, हियर वी विल मेजर प्राइस, हियर वी विल मेजर क्वांटिटी डिमांड। ओके, देन प्राइस का है तुम्हारा 50 और शार्क का 10। सो लेट्स सी 10, 20, 30, 40 then 50. Okay, let's see here. Demand 10, 20, 30, 40 and 50. Start करेंगे अभी हम। When the price is 50, the demand is market demand is what? यहाँ quantity demand आप तो market लिखेंगे, क्या लिखेंगे? Market। देखिए market काम कर रही है इसलिए। जब प्राइस 50 रुपीज था तो डिमांड कितनी दिखाई तुम्हारी 10 kg थी। ओके, जैसे प्राइस फॉल होता है आपका डिमांड तुम्हारी क्या होती है, बढ़ जाती है। दिख रहा है अभी और प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड और बढ़ रही है, प्राइस और कम हो रहा है डिमांड और बढ़ रही है। देन नेक्स्ट दिस इज, सो इट इज ऑलवेज डाउनवर्ड कर्व, डिमांड कर्व क्या रहती है, हमेशा तुम्हारी डाउनवर्ड कर्व होती है। So this is a very important question according to your board exam। 2 marks का क्वेश्चन, इसमें से चांसेस है डिमांड, मार्केट डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड। डिफरेंस बिटवीन में भी 2 marks के लिए आ सकता है, ट्रू और फॉल्स में जा सकता है। डिमांड में हमको क्या करते हैं, डिजायर प्लस एबिलिटी टू पे, विलिंगनेस टू पे, तुम्हारा दिल भी गवाह करना चाहिए, तुम्हारे पास में कैपेसिटी भी होना चाहिए। ओके, इंडिविजुअल डिमांड, द डिमांड ऑफ योर प्रोडक्ट, एनी डिमांड फॉर एनी प्रोडक्ट बाय इंडिविजुअल पर्सन। अगर एक ही आदमी डिमांड कर रहा है एट ए पर्टिकुलर प्राइस, दैट इज नॉट एज अ इंडिविजुअल डिमांड। मार्केट डिमांड में क्या होगा, सबकी जो इंडिविजुअल जो करते हैं प्राइस सेम होगा। फॉर एग्जांपल मैंगो प्राइस सेम था लेकिन सबके अलग अलग। ए पर्सन ने 2 kg डिमांड किया, बी पर्सन ने 4 kg किया, सी पर्सन ने 6 kg किया, तो टोटल डिमांड कितनी हो जाएगी तुम्हारी 6। दैट इज नॉट एज अ मार्केट डिमांड। ओके, अगर आपको ये क्वेश्चन आ गया एग्जाम में तो आपको सबसे पहले उसका मीनिंग लिखना होगा और then tabulation, then diagram। tabulation का हम लोग कह सकते हैं शेड्यूल बनाओ, उसके बाद में डायग्राम बनाओ। ओके, अगर आपको इसमें कुछ डाउट हो तो प्लीज आप मुझे डायरेक्टली डीएम कर सकते हो, jitesh.kumar FB पे भी और इंस्टाग्राम पे। यू कैन फॉलो माई पेज। ओके, बाय बाय।